नाउ वी आर परफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर। इस प्लैटिनम रेजिस्टेंस थर्मामीटर के लिए हमारा एक पूरा ये थर्मामीटर यूनिट है, इसको परफॉर्म करने के लिए दो मेथड होते हैं। एक तो होता है यूजिंग कैलेंडर ग्रिफन, सेकंड होता है यूजिंग मीटर ब्रिज टेक्निक। हम जो फॉलो कर रहे हैं वो मीटर ब्रिज से कर रहे हैं। इसमें हम लोगों ने क्या करना है, टेम्परेचर कॉफिशियंट निकालना ऑफ दिस पर्टिकुलर मटीरियल ऑफ पीआरटी। इस मटेरियल को निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले जब हम कैरी फोस्टर यूज़ कर रहे हैं तो कैरी फोस्टर आपको पता है कि फोर गैप होता है, तो दिस काइंड ऑफ अ फोर गैप ब्रिज, इसको ब्रिज को सस्टेन करने के लिए हमारे को पहले पी और क्यू दो सेम रेजिस्टेंस के पोर्स चाहिए। तो हम लोगों ने यहाँ पे दो पी और क्यू लगा दिए गैप नंबर वन और गैप नंबर टू में। सेकेंड जो गैप नंबर थ्री और गैप नंबर फोर है उसके अंदर हम लोग प्लैटिनम रेजिस्टेंस के पी वन पी टू और सी वन सी टू टर्मिनल्स है। तो P1 P2 तो आपके लेफ्ट आर्म्स पे आ जाएंगे और C1 C2 थ्रू रेजिस्टेंस बॉक्स इसके फोर्थ आर्म्स पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, सेंटर को आपने गैल्वेनोमीटर के एंड के साथ देना, गैल्वेनोमीटर आपने जोकी के साथ कनेक्ट कर देना। उसके बाद एक आपकी SMPS पावर सप्लाई है रेगुलेटेड, जो दोनों बोथ एंड ऑफ पोटेंशियोमीटर पे कैरी पोस्टर के एंड पे कनेक्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव हीट्स है। उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसके लिए हमारे को हीटिंग अरेंजमेंट चाहिए क्योंकि हम लोगों ने टेम्परेचर वेरिएशन रिलेशन देखना है। तो उसके लिए हमने आपको एक इलेक्ट्रिक हॉटप्लेट दिया है, कॉपर वेसल दिया है जिसमें आपने लिक्विड पोर करना है इन द फॉर्म ऑफ वाटर। उसके बाद हमारे को इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने के लिए तीन डिफरेंट टाइप के लिक्विड चाहिए। तो सबसे पहले हम एक एज अ रूम टेम्परेचर मान लेते हैं, सेकेंड हम एक कोल्ड वाटर लेंगे, थर्ड एक हम हीट वाटर लेंगे। तो तीन वेरिएशन से हम लोग इसी पैरामीटर्स को रीड करेंगे। करने से पहले सबसे पहले क्या करना है, कनेक्शन आपके प्योरली प्रॉपर टाइट होने चाहिए, कोई भी कनेक्टिविटी का इशू नहीं होना चाहिए और ये जितने भी प्लग किए प्रॉपरली इंसर्टेड होनी चाहिए। नाउ हम लोग क्या करेंगे, SMPS को ऑन करेंगे और एक पर्टिकुलर एंड पे जोकी को प्लेस करेंगे और यहाँ से इसको सप्लाई को रोटेट करेंगे, जहाँ पे भी गैल्वेनोमीटर आपका डिफ्लेक्शन देगा वहाँ उसको छोड़ देंगे। सिमिलरली इस पैसिव जोकी को राइट हैंड साइड पे लगाएंगे और राइट हैंड साइड पे लगाने के बाद आपका डिफ्लेक्शन दूसरे साइड पे जाना चाहिए। अगर ये हो रहा है दैट मीन सर्किट आपका बिल्कुल परफेक्ट है। नाउ परफॉर्मिंग टू द एक्सपेरिमेंट, आपने क्या करना है, इसको एक इस पोजीशन पे रखा और यहाँ से जैसा कि हमारे को पता है कि इस PRT का रेजिस्टेंस जो होता है वो 2.8 ओम होता है, तो 2.8 ओम के लिए आपने क्या करना है, ये फ्रैक्शनल रेजिस्टेंस बॉक्स है इससे आपने 2.8 की वैल्यू निकाल देनी है। सपोज जैसे 2 द पॉइंट एंड 0.2 दैट इज द 2.7 हो गया, जो बाकी का वेरिएशन है वो विद रिस्पेक्ट टू दिस स्लाइडिंग वायर हम लोग रीड करेंगे। लेट्स सी कैसे, इधर देखिए। अब आपने क्या करना है, इस पेंसिल जोकी को इसके ऊपर ऐसे स्लाइड करना है अंटिल यू बिकम अ नल पॉइंट ऑफ द गैल्वेनोमीटर। सी ये एक पर्टिकुलर पोजीशन पे आ रहा है, दैट इज अराउंड 55 पे एट अ रूम टेम्परेचर। 55 पे आपका ये आ गया, दिस इज कॉल्ड द L1 लेंथ। L1 लेंथ आ गई, सिमिलरली हमारे को L2 लेंथ चाहिए, तो 100 माइनस ऑफ दिस L2 हो जाएगी। आपने फॉर्मूले में पुट करना है, आपका पहला कोफिशिएंट निकल के आ जाएगा एज पर गिवन मैनुअल। सी T1 के लिए हमने लिखा, ये T1 इसको रूम टेम्परेचर को मान लिया, यहाँ से रेजिस्टेंस बॉक्स की वैल्यू आ गई, यहाँ से टोटल लेंथ आ गई, फॉर्मूले में पुट किया आपका टोटल रेजिस्टेंस आ गया पर्टिकुलर फर्स्ट स्टेज। सेकेंड स्टेज पर क्या करना है, इस हॉट वाटर के अंदर आपने इस थर्मामीटर को इंसर्ट कर देना है और यहाँ पे आपने एडिशनल थर्मामीटर पोर कर देना है, जो इसका लिक्विड का टेम्परेचर है वो भी रीड हो जाएगा। सेम प्रोसीजर फिर करना है, फॉर्मूला पुट करोगे T2 आ गया, फिर एक ठंडे पानी में करना है, सेम प्रोसीजर फिट करोगे 3C आ जाएगा, फॉर्मूला पुट करोगे आपकी वैल्यू। थैंक यू सो मच।